आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैनवास को प्राइम कैसे करते हैं। कैनवास को प्राइम करने का मतलब है, जब आप कैनवास लेते हो तो वाइट कलर का होता है, और वो वाइट जो कलर है वो या तो एक्रेलिक पेंट लगा होता है या एक्रेलिक जैसो लगा होता है। वो इसलिए लगा होता है ताकि हम जब ऑयल पेंट करें तो कैनवास ऑयल को एब्जॉर्व ना करे, हमारी पेंटिंग ग्लॉसी रहे और सारे पेंट कैनवास के ऊपर लगे, ना कि उसके ऑयल एब्जॉर्व हो जाए और वो डल दिखे। तो कई बार कैनवास पहले से प्राइम किया हुआ होता है, कई बार पहले से प्राइम किया हुआ नहीं होता है, और ज़्यादातर जब आप रोल यूज़ करते हो कैनवास के रोल्स तो वो प्राइम अच्छे से नहीं किया हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि हमें खुद से वो कैनवास को प्राइम करना होता है। प्राइम करना बहुत ही ईजी है, हम इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे कैनवास प्राइम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, और ये बाउल के अंदर ये कलर जो लगा हुआ है निकलता नहीं है, सूखा हुआ ये कलर है। तो इस बाउल में हमें एक्रेलिक पेंट डालना है, हम एक्रेलिक पेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं टाइटेनियम वाइट, और ये बाउल में कोई कलर पहले से लगा नहीं हुआ है इसलिए वाइट में कोई कलर मिक्स नहीं होगा, ये वाइट प्योर रहेगा। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, पानी थोड़ा ही मिलाना है आपको, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है पेंट को, और इसे हम मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से लिक्विड हो जाए। बहुत ज़्यादा पतला मत कीजिएगा, बहुत फ्लूइड नहीं होना चाहिए, बहता हुआ नहीं होना चाहिए ये कलर, हल्का सा आप इसे बस अपने हिसाब से पानी मिलाइए, थोड़ा सा क्रीमी हल्का सा रहना चाहिए ये कलर। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जितना बड़ा कैनवास ले रहे हो उस हिसाब से आपको कलर मिक्स करना है। फिर आपको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे कैनवास पर लगाना है, तो आप पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लो। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ये फ्लूइड हो गया है पहले से पानी मिलाने के बाद। फिर इसे आप कैनवास पे लगाइए, इस चीज़ को करने से क्या होता है कि कैनवास यहाँ पे हमने जैसे कैनवास का रोल यूज़ किया हुआ है, काट के हमने उसे बोर्ड पे चिपका के कैनवास रोल यूज़ कर रहे हैं हम, तो वो ज़्यादा खुरदुरा होता है और बहुत ही ज़्यादा रफ़ होता है, तो उसको हमें थोड़ा स्मूथ करना होता है, इसलिए हम ये चीज़ करते हैं। कई सारे आर्टिस्ट एक्रिलिक पेंट की जगह जैसो यूज़ करते हैं, जैसो एक्रिलिक पेंट से ही बनता है, वो भी इसी तरीके से कैनवास को प्राइम करने के काम आता है, लेकिन पर्सनली मुझे वाइट एक्रिलिक पेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी प्रोफेशनल्स जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं वो भी एक्रेलिक पेंट को रेकमेंड करते हैं, और ये पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये ज़्यादा सूट करता है मेरी, मैं जिस तरीके की पेंटिंग करता हूँ। तो ये चीज़ मैं आपको बता सक रहा हूँ क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको स्टार्टिंग में एक्रेलिक पेंट से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप ये प्रोसेस को ईजीली कर सकते हो, आप पेंट लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के आप कैनवास को प्राइम कीजिए, इसे कहते हैं कैनवास को प्राइम करना। ये जो प्रोसेस है ये आप 3 बार कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में वो स्मूथनेस ज़रूरी नहीं है आए। कई सारे कैनवास पहले से प्राइम किए हुए होते हैं तो उसमें आप एक कोट लगा के ही आप उसको स्मूथ कर सकते हो, यहाँ पे मैं 3 कोट यूज़ करता हूँ, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पहला कोट कैसे मारते हैं, दूसरा कोट और तीसरा कोट भी सेम है। आपने ये एक बार पूरे कैनवास पे लगा दिया, फिर इसको 2 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दीजिए, 2 घंटे के बाद सेम चीज़ आपको फिर करनी है, फिर 2 घंटे सूखने छोड़ दीजिए, फिर आपको एक बार और करना है, ऐसे करके 3 बार इस पर आप एक्रेलिक पेंट से प्राइम करोगे। तो 3 बार करने का मोटिव ये है कि जो पेंट है एक्रेलिक पेंट वो कैनवास के बीच बीच में जो पोर्स होते हैं, जो होल्स होते हैं, उनमें वो अच्छे से चला जाएगा, कैनवास उसको एब्जॉर्व कर लेगा। तो जब हम ऑयल पेंटिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें एक स्मूथ सरफेस मिलेगा, तो आपको पेंटिंग करने में आसानी होगी और आपके ब्रश भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे क्योंकि कैनवास थोड़ा सा स्मूथ हो चुका होगा पहले से। तो आप देख सकते हैं कि पूरा कैनवास यहाँ प्राइम हो चुका है, सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है हर 2 घंटे में। तो यहाँ कैनवास रोल के लिए मैं 3 लेयर यूज़ करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, आपको समझ आए कि कैनवास प्राइमिंग होता क्या है, और आप इसको इजीली कर सकते हैं खुद से। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
मैं कैनवास को प्राइम करके रखता हूँ, आप भी अपना कैनवास प्राइम कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में खुद की एक मास्टरपीस बनाएंगे, हम यानी कि आप खुद की एक मास्टरपीस बनाओगे बहुत इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।